फाइनली गाइस बैग मेरा पैक हो चुका है, तो आई एम रेडी फॉर द मुंबई एंड गोवा आ चुका है। तो आप देख ही सकते हैं अनियन मसाला डोसा काफी टेस्टी लग रहा है। तो आज की मेरी फ्लाइट है मुंबई की, फिर उसका वहां से मेरी गोवा की ट्रेन है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, तो होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो काफी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मेरे को, क्योंकि आजकल मेरी ऑफिस में भी नाइट शिफ्ट चल रही है। तो जैसे ही ऑफिस से आता हूँ फिर मॉर्निंग में आके सो जाता हूँ एकदम, तो फिर बिल्कुल आलस सा आता है आजकल, क्योंकि वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, बाहर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता गर्मियों में। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा मेरी फैमिली पूरी गाँव जा रही थी, तो पिछले हफ्ते से मैं घर पर अकेला था। तो आज फाइनली मेरे घर वाले वापस आ रहे हैं, तो उसमें भी पापा और सिस्टर आ रहे हैं, मम्मी अभी गाँव में ही है, तो शाम तक पहुँच जाएंगे 5 बजे तक। तो थोड़ा आज घर साफ करना है, ताकि उनको लगे मैं घर साफ करता था। वैसे मैं करता था लेकिन इतना नहीं करता, रोज नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कल रात को तूफान भी आया था दिल्ली में, तो बालकनी पूरी बेकार हो रखी है, ख़राब हो रखी है, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो वो भी धोनी है। और ये थोड़ा यहाँ पे रूम में ही मिट्टी मिट्टी हो रखी है, ये भी साफ़ करना है। उसके बाद मैं आता हूँ, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो एक्साइटेड मैं काफ़ी इसलिए हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ दिल्ली से बाहर। तो दिल्ली से बाहर मैं जा रहा हूँ मुंबई, फिर उसके बाद मेरा मुंबई से गोवा का प्लान है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि पैकिंग भी नहीं हुई है मेरी अभी तक, और कल मेरे को निकलना है। सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, सारा कमरा फैला हुआ है, अभी साफ भी करना है। तो अभी चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मेरे को पैकिंग भी करनी है, सामान वामान भी लेके आना थोड़ा बाहर से, और नाश्ता भी करना, भूख भी काफ़ी लग रही है। तो अभी घर पर तो कुछ है नहीं खाने के लिए, तो अभी देखते हैं क्या करना है। मैं आपको बता दूँ, हर्षिता जो मेरी छोटी सिस्टर है वो ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो वो तो चली गई, तो उसके बच्चे ट्यूशन पढ़ने मेरे पास आते हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो अभी वो थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं, उससे पहले घर साफ कर देता हूँ, नहीं तो अगर वो आ गए तो घर भी साफ नहीं हो पाएगा। तो अभी चलते हैं। मैंने आपसे कहा था बच्चे आने वाले ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो बच्चे भी आए गए हैं, तो सफाई मेरी हो नहीं पाई है। तो अभी थोड़ा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है, और अगर पापा के आने से पहले घर साफ नहीं हुआ तो मेरी तो शामत आ जाएगी। किताब निकालो, किताब पेंसिल साफ कर रहे हो, छोटी सी पेंसिल को लेकर आयो, और बड़ी पेंसिल क्या है आपकी? छोटी हो गई। ज्यादा हंसी आ रही है आपको? बड़ी हंसी आ रही है। तो क्या कर रहे हो आप? संडे मंडे ढंग से लिखो, चलो हाथ रेस्ट। छिली नहीं आपकी पेंसिल अभी तक? हैं? नहीं छिली? छिलगाई छिलगाई, चलो लिखो, कहा है आपको कॉपी, लिखो क्या लिखा है मैंने। चलो लिखो, जल्दी लिखो, 10 मिनट आपके पास। तो अभी गाइस ट्यूशन के बच्चे भी जा चुके हैं, उनको मैंने पढ़ा दिया, काफी उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो अब मैं काफी थक चुका हूँ उनको पढ़ा के, तो वैसे ही मेरे को बहुत नींद आ रही है, तो अब मैं सो जाता हूँ। सफाई वफाई मैं बाद में देखूंगा जब मैं उठूंगा, उसके बाद खाना वाना बनाऊंगा, अभी मेरे को भूख लग रही है। तो अभी मैंने थोड़ा मैगी खा ली थी, तो अभी चलते हैं, फिर सोते हैं, फिर उसके बाद जितना काम है उस घर का जो फैला हुआ काम है ना, सब बाद में करूंगा। तो अभी फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो फाइनली गाइस जस्ट मैं सो के उठा हूँ अभी, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। तो अभी चलता हूँ, अब मैं थोड़ा सफाई वगैरह कर लेता हूँ, फिर थोड़ा बाहर से सामान वामान लेके आना है, क्योंकि मैंने थोड़ा मुंबई गोवा भी जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सामान वामान लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि खाना वाना भी पकाना है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है मेरे को। तो आप देखते रहिए वीडियो। फिर फाइनली गाइस पूरे घर की सफाई भी हो चुकी है, कपड़े भी धुल चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा अभी कि कैसे साफ करा, कैसे काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी बाहर भी जा रहा है सामान लेके आना है। तो अभी चलते हैं बाहर, बैग वैग मैंने डाल लिया है, तो अभी चलते हैं। धूप में आपको एक बार दिखाया था कैसी हो रही है, अभी तो मैंने गेट लॉक कर दिया था क्योंकि मैं निकल रहा था, तो लेकिन आप देख सकते हैं धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा, यहाँ से दिखेगा नहीं ढंग से, तो अभी चलते हैं, ढंग से लॉक वगैरह लगाते घर पर। तो भाई धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है, तो अभी चलते हैं। तो धूप आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ है, तो अभी मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ, कल बारिश आई थी तो काफ़ी ज़्यादा छीटे पड़े, तो बाइक भी गंदी हो रही है। तो अभी चलते हैं, बाइक थोड़ी साफ करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे मार्केट में। मान लिया सामान वामान मैंने सारा ले लिया है, अभी मेरे को भूख लगी थी तो मैं थोड़ा डोसा खाने रुका हूँ। तो अभी डोसा मैंने ऑर्डर किया हुआ, अनियन मसाला डोसा मेरा आ रहा है, तो अभी आएगा अनियन मसाला, तब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ जब तक मसाला डोसा आता है।
तो वेट कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट हो चुका, अभी तक तो है नहीं है, देखते हैं कितनी देर में आता है। तो मैंने ज़्यादा सामान लिया, मैंने मेडिसिन वगैरह लिया, थोड़ा हेयर वैक्स लिया था पहले, और पापा वापा शाम को आ रहे तो पापा और मैं सब्जी ली थी, तो बस अभी चलते हैं फिर डोसे का इंतजार करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डोसा मेरा। तो फाइनली गाइस डोसा मेरा आ चुका है, तो आप देख ही सकते हैं अनियन मसाला डोसा काफ़ी टेस्टी लग रहा है दिखने में, तो अभी चलते हैं फिर खाते हैं। फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, तो मैंने सब्जी भी ले ली है, मैंने सामान भी ले लिया है, मेरा सारा काम हो चुका है, अब बस लास्ट मेरे को अब खाना बनाना है। तो अभी तो मम्मी और कुछ आने में टाइम है, और अभी मेरी बात हुई है तो पहले मैं कह रहा था पापा और सिस्टर आने हैं अभी, लेकिन छोटे सिस्टर गाँव में, बाकी सब आ रहे हैं, मम्मी भी आ रही है, आशीष भी आ रहा है। तो अभी थोड़ा काम वाम कर लेता हूँ, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत काम है मेरे को, लैपटॉप पर भी कुछ काम है, तो थोड़ा लैपटॉप पर भी काम निपटा लेता हूँ। उसके बाद अभी मैंने खाना वाना रेडी करके रख दिया है, सब कुछ काट के रख दिया है, अब बस मेरे को रेडी करना है। तो शाम को अभी 4 अभी तो 3:30 हो रहे हैं, तो 5 बजे मैं रेडी करूँगा खाना बनाना, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में हो ही जाएगा। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि थक गया था धूप से आके, तो फिर अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो फाइनली गाइस नेटफ्लिक्स में ट्रिपल आ चुकी है, तो वैसे मैंने हॉल में तो देख ही ली थी आईमैक्स में, तो अभी एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो क्योंकि टाइम पास तो करना ही है, तो थोड़ा ट्रिपल आर देख के टाइम पास कर लेते हैं, काम भी हो जाएगा, फिर मूवी देख लेंगे, फिर उसके बाद हम बैकपैक करेंगे। बाय गाइस। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, सूटकेस मेरा ओपन हो चुका है, सारा सामान मैंने रख दिया है अभी, तो अभी मेरे को सारा सामान सूटकेस में रखना है क्योंकि सूटकेस तुम्हारा सारा सामान मेरा भारी है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 3-4 तो मेरे पास टी शर्ट्स हैं, 2-3 मेरे पास शॉर्ट्स हैं, 2-3 पैंट्स हैं, और एक फ्लिप फ्लॉप है, और 2 जोड़ी सॉक्स है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा कैसा रहेगा, तो अभी मैं पैक करता हूँ, तो आप देखते रहिए मैं कैसा सामान पैक कर रहा हूँ। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फाइनली गाइस बैग मेरा पैक हो चुका है, तो आई एम रेडी फॉर द मुंबई एंड गोवा। तो ये मेरा बैग है जो मैंने पैक किया है, और ये थोड़ा सा सामान रह गया है, तो ये मैं अपने पीठ वाले बैग में डालूंगा बैकपैक में, और थोड़ा फ़ोन वगैरह चार्जर वगैरह हेयर ड्रायर भी रखना था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, हेयर ड्रायर रखूँ ना रखूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहाँ रखूँ किधर रखूँ। तो अभी देखते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन है, एसेसरीज है, काफ़ी चीज़ें हैं, फ़ोन की चार्जर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी भी, तो कोई नहीं मिलते हैं फिर अभी आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था कल खाना भी बनाया था, तो पापा मम्मी भी आ चुके थे, तो मैं इतना ज़्यादा थक गया था तो कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैं सो गया था। तो कल मैंने फिर बैग भी पैक हो चुका था मेरा, और मेरा सब सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह खाना वाना सब मैंने सब कर करवा के, बैग वैग पक पुक कर करवा के, फिर उसके बाद घर वाले भी आ गए थे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर ही, तो सब आ चुके हैं, पापा भी आ चुके हैं, मम्मी भी आ चुके हैं, सिस्टर भी आ चुके हैं, आशीष अंदर सो रहा है। तो इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं एंड करता हूँ, तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वैसे आज की मेरी फ्लाइट है मुंबई की, फिर उसके बाद वहाँ से मेरी गोवा की ट्रेन है, तो अभी चलते हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जो मेरी सीरीज़ है वो ट्रैवल सीरीज शुरू होने वाली है, तो आप देखिए इन्जॉय करिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही, तो अगर आप चैनल में नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो गुड बाय गाइज़।